नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुमो एल सस्पेंशन का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सुमो एल सस्पेंशन को बच्चों को कैसे देना चाहिए और सुमो एल सस्पेंशन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सुमो एल सस्पेंशन को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सुमो एल सस्पेंशन का उपयोग मुख्य रूप से बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। सुमो एल सस्पेंशन बुखार को कम करती है। इसके अलावा सुमो एल सस्पेंशन का उपयोग दर्द को कम करने के लिए भी किया जाता है। सुमो एल सस्पेंशन का उपयोग सिरदर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द, माइग्रेन के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में सुमो एल सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। सुमो एल एक ब्रांड नेम है। सुमो एल सस्पेंशन के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन पैरासिटामोल होता है। सुमो एल सस्पेंशन 120 mg पर 5 मिलीलीटर व 250 mg पर 5 मिलीलीटर और ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सुमो एल सस्पेंशन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे सुमो एल सस्पेंशन दर्द और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर बच्चों में सुमो एल सस्पेंशन की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादा खुराक में सुमो एल सस्पेंशन को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है, इसलिए आपको सुमो एल सस्पेंशन को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में ही बच्चे को देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सुमो एल सस्पेंशन को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लगातार 10 दिन से अधिक सुमो एल सस्पेंशन को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना सुमो एल सस्पेंशन को लगातार 10 दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर किसी बच्चे को सुमो एल सस्पेंशन या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे पैरासिटामोल आदि से एलर्जी है तो ऐसे बच्चों को सुमो एल सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सुमो एल सस्पेंशन को बच्चों को कैसे देना रिकमेंडेड होता है। सुमो एल सस्पेंशन को खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। सुमो एल सस्पेंशन को डॉक्टर बच्चों के शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg से लेकर 15 mg पर किलोग्राम डोज को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सुमो एल सस्पेंशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।